टूनी अपनी सास के साथ बाजार में अपने हाथों से बनाए हुए घास के झाड़ू, हाथ पंखा और कारपेट बेचने जाती है। दोनों सास बहू चिलचिलाती धूप में पसीने बहाते हुए सभी घास के बनी हुई चीजों को बेचा करती। घास के पंखे ले लो, घास के झाड़ू ले लो, घास का बना हुआ कारपेट ले लो, सिर्फ 20 रुपए, सारी चीजें सिर्फ 20 रुपए। इस घास के बने झाड़ू से सफाई अच्छी होती है ना? हाँ कबूतरी बहन। हाँ तो मुझे 2 जोड़ी दे दो। 2 जोड़ी के 40 रुपए हुए बहन। क्या, मैं सिर्फ 30 रुपए ही दूंगी। हाँ, टूनी अपनी लाचारी को देखते हुए कबूतरी को कम दाम में झाड़ू दे देती है। दोनों सास बहू शाम होते ही घर लौट जाया करती। रास्ते में उन्हें आइसक्रीम का ठेला दिखता है। माँ जी, वो देखिए आइसक्रीम। कीको बहुत दिनों से आइसक्रीम खाने की जिद कर रही थी। मैं उसके लिए एक आइसक्रीम ले लेती हूँ। टूनी आइसक्रीम खरीद कर अपनी सास के साथ घर जाती है और अपनी बेटी किकू को आइसक्रीम दे देती है। लेकिन किकू जैसे ही आइसक्रीम खाने के लिए पैकेट को खोलती है तो वो आइसक्रीम को पिघला पाती है। मम्मा, ये क्या, गर्मी की वजह से ये आइसक्रीम पिघल गई। अगर हमारे घर में फ्रिज होती तो मेरी आइसक्रीम नहीं पिघलती। किकू बेटी, ऐसे रोते नहीं, कल शाम को मैं फिर से आइसक्रीम ले आऊंगी। कल शाम तक लाओगे, तब तक मैं क्या खाऊंगी? आज तो मैं कितनी खुश थी ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाने के लिए, लेकिन ठंडी आइसक्रीम मेरे नसीब में नहीं। अगर एक फ्रिज होता तो मैं रोज ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाती और ठंडी ठंडी पानी भी पीती। ये बोलकर किकू जोर जोर से रोने लगी और रोते रोते सो जाती है। किकू को रोता देख सभी को बहुत दुख होता है, जिसके बाद गर्मी में जैसे तैसे खाना खाकर सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन गर्मी की वजह से किसी को नींद नहीं आ रही होती है। किकू रोते हुए उठ जाती है। क्या हुआ किकू बेटा, तू रो क्यों रही है? दादी माँ, गर्मी की वजह से देखो मुझे कितनी घमुरियाँ हो गई है और नींद भी नहीं आ रही है। मेरे सभी दोस्तों के घर में एसी, कूलर, पंखा सब कुछ है, लेकिन मेरे ही घर में कुछ नहीं है। किकू बेटा, तुम सो जाओ, मैं हाथ से पंखा करती हूँ। गर्मी से परेशान टूनी सोने के बजाय बांस के बने हुए पंखे से हवा करने लगती है। गर्मी के मौसम में जहाँ हर कोई एसी, कूलर, पंखे के सामने सोता है, वहीं टूनी का परिवार गर्मी के मौसम में बड़े मुश्किल से दिन काटते हैं। क्या हुआ टूनी, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? सुबह से देख रही हूँ काफी सुस्त लग रही है। माँ जी, गर्मी में बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही है। सोचा था घास के झाड़ू पंखे बेचूंगी तो थोड़े पैसे जमा करके घर में एक पंखा ही लगवा दूंगी, लेकिन अभी तक मैं ये भी नहीं कर पाई। आप ऐसा क्यों बोल रही हो माँ जी, सिर्फ कुछ महीनों का ही तो बात है, गर्मी का मौसम जाते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। गर्मी से परेशान टूनी बात कर ही रही होती है, तभी खिड़की से एक बहुत सुंदर तितली घर में आकर गिरती है। उसके पंख में चोट आई रहती है, जिसके चलते वो उड़ नहीं पाती। बेटी, इसके पंख में तो चोट लगी है, दर्द के मारे कैसे फड़फड़ा रही है? आप उसे उठाइए, मैं जल्दी से इसके लिए मरहम बना देती हूँ। टूनी तितली के लिए जड़ी बूटी से लेप बना देती है और उसके पंख में लगा लेती है। ये तितली देखने में तो कितनी ज्यादा सुंदर है, इतनी सुंदर तितली तो मैंने आज तक नहीं देखी। सच में बहू, ये तो बहुत सुंदर है। एक काम कर, थोड़े से फलों का जूस ले आ, इसे भूख लग रही होगी। टूनी उस तितली को घास के कारपेट में रख देती है। मम्मा, आपने इस तितली को घास के कारपेट में क्यों रखा है? बेटा, इसे भी तो गर्मी लग रही होगी, अब हम तो इस गर्मी से बच नहीं सकते, लेकिन हम इस तितली को घास के ठंडे कारपेट में रखकर इसे बचा सकते हैं ना?
धीरे धीरे अब वो तितली ठीक होने लगती है, लेकिन इसी के साथ गर्मी अपने चरम पर पहुंच जाती है। मम्मा, मेरी लस्सी कहाँ है? आपने कहा था आप मुझे ठंडी ठंडी लस्सी पिलाओगी। बेटा, मैंने दही तो जमाई थी, पर इस गर्मी की वजह से सारा दही खराब हो गया। मुझे पता था ऐसा ही होगा। एक दिन देखना, गर्मी की वजह से मैं तड़प तड़प कर मर जाऊंगी, और न ही मुझे पंखे की ठंडी हवा मिलेगी और न ही फ्रिज का ठंडा पानी। अपनी बेटी के मुंह से ऐसी बात सुनकर टूनी के आंखों में आंसू आ जाती है। तभी घास पर बैठी हुई तितली उड़ने लगती है और देखते ही देखते सुंदर परी के रूप में बदल जाती है, और ये देखकर टूनी और कुकू सहम से जाती है। कौन हो तुम? तुम तो कुछ साधारण तितली नहीं हो। तुम मुझसे डरो मत, मैं साधारण तितली नहीं हूँ, मैं एक परी हूँ जो एक तितली के रूप में हमेशा जंगलों में घूमती रहती हूँ। मैं घायल होकर तुम्हारे घर आ गई थी। तुमने और तुम्हारी सास ने मेरी बड़ी सेवा की। ठीक होते ही मैं अपनी असली रूप में आ गई, और अब मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। वो परी टूनी के हालात देखकर अपनी जादुई शक्तियों से उन्हें घास का बना हुआ फ्रिज और घास का बना टेबल पंखा दे देती है। ये भले ही घास का बना हुआ फ्रिज और पंखा है, लेकिन तुम्हें इसे चलाने के लिए बिजली की जरूरत नहीं होगी। तुम जब जब इसमें पानी की छींटे डालोगी तो ये बिल्कुल असली की तरह काम करेगी। इतना कहकर वो परी तितली का रूप लेकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद टूनी उस पंखे पर पानी की छींटे डालती है तो वो बिल्कुल असली पंखे की तरह काम करने लगती है। मम्मा, इस टेबल पंखे से तो कितनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है। हाँ बेटा, आखिरकार हमें इस भयंकर गर्मी से छुटकारा मिल ही गया। इस घास के फ्रिज से जमी हुई लस्सी तो काफी स्वादिष्ट है। बची हुई लस्सी को दोबारा फ्रिज में रख देती हूँ। अब तो हमारे घर में भी फ्रिज आ गया है। अब माँ रोज इसके अंदर आइसक्रीम जमाएगी और मैं ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाऊंगी। इतना कहकर किकू लस्सी को फ्रिज में रखने के लिए जैसे ही फ्रिज खोलती है, अरे ये हमारे फ्रिज में इतनी सारी आइसक्रीम कहाँ से आ गई? मुझे खट्टा मीठा कोला खाना है। टूनी आइसक्रीम को देखकर चौंक रही होती है, और किकू के बोलते ही घास के फ्रिज में बर्फ के गोले आ जाते हैं, जिसे देख टूनी और किकू पहले हैरान रह जाते हैं। मैंने जब आइसक्रीम का नाम लिया तो इसमें आइसक्रीम थी, अब बर्फ का गोला। इसका मतलब ये साधारण घास का फ्रिज नहीं है, बल्कि एक जादुई घास का फ्रिज है। हम जो भी इससे खाने पीने की चीज मांगेंगे तो ये हमें देगा। हे जादुई घास का फ्रिज, मुझे आम का रस पीना है। टूनी के इतना बोलते ही जादुई घास के फ्रिज में आम का जूस आ जाता है, जिसे देख टूनी बहुत खुश होती है। घास के टेबल पंखे और घास के फ्रिज की वजह से अब उन सभी को गर्मी से राहत मिल चुकी थी। लेकिन क्या हुआ जी, आप बड़े परेशान लग रहे हैं। परेशान ना हो तो और क्या करूं? तुम्हारा और माँ का घास के झाड़ू बेचने का काम भी ठीक से नहीं चल रहा है। ऊपर से शेर भी पैसे समय पर नहीं देता, न जाने बिना पैसों के घर कैसे चलेगा। टूना उस घास के पंखे के सामने बैठकर बोल ही रहा था कि तभी घास के पंखे से ढेर सारे रुपये उड़ते हुए टूना के पास आ जाते हैं। इस घास के पंखे से ये पैसे कैसे आए? ये सब परी की वजह से है जी। परी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें घास के फ्रिज और पंखे देकर हमारी जीवन ही बदल दी। टूनी, अब हमारे गरीबी के दिन गए, अब हम लोग भी खुशी खुशी जिंदगी जी सकते हैं। मैं इन पैसों से आइसक्रीम का रेडी खरीदूंगा और ठंडे ठंडे पानी चिड़ियों को पिलाऊंगा। टूना उन पैसों से आइसक्रीम का रेडी खरीदकर घास के फ्रिज से आइसक्रीम निकालकर उसे सस्ते दामों में चिड़ियों को बेचने लगता है, जिससे गरीब चिड़िया भी आसानी से आइसक्रीम खरीद लेते हैं।
टूनी और उसकी सास भी बर्फ के गोले और जूस की दुकान खोल लेती है, जहां वो मुफ्त में चिड़ियों को खाने पीने को देती, जिससे गर्मी में सबको राहत मिलती। अब पूरा परिवार जादुई फ्रिज और पंखे की मदद से हंसी खुशी रहता है। कुकू एक केला तोड़ता है और जैसे ही वो केला तोड़ता है तो चारों तरफ रोशनी फैल गई। और जब कुकू ने वो केला खाया तो उसका शरीर अपने आप बड़ा हो गया। टूनी अपने बच्चे के साथ रामपुर के जंगल में रहती थी। उसका बच्चा बाकी चिड़ियों के बच्चे से कमजोर था, जिसके कारण सभी कुकू का बहुत मजाक उड़ाते थे। एक दिन टूनी के यहाँ उसकी मीनू मौसी आती है। टूनी, अपने बेटे को कुछ खिलाती पिलाती नहीं हो क्या? मीनू मौसी सब कुछ खिला पिला के देख लिया, दूध मक्खन केले सब कुछ, लेकिन इसके शरीर में कुछ लगता ही नहीं है। ये बिल्कुल अपने पापा पर गया है, वो भी इसी के तरह पतले दुबले थे। लेकिन मौसी माँ, मुझे सब लोग लकड़ी लकड़ी बोलकर मजाक उड़ाते हैं। अब तू पतला दुबला है तो इसमें तेरी क्या गलती बेटा? शाम को कुकू अपने दोस्त टीटू तोते के साथ खेलने चला जाता है। दोनों बॉल से खेलने लग जाते हैं, तभी कालू कौवा और बंटी कबूतर वहां आ जाते हैं। ये बॉल अब हमारा है। नहीं, ये मेरा है, कल ही मेरी मौसी माँ ने ये लेकर आई है। अब तक ये तेरा था, लेकिन अब बॉल हमारा हो चुका। नहीं, ये मेरा है। अरे लकड़ी के तिनके, तू हम दोनों से लड़ेगा? अपना हालत तो देख। चल के को यहाँ से चलते हैं। नहीं, वो बॉल मेरा है, मैं उसे छोड़कर नहीं जाऊँगा। कुकु, हम नया बॉल ले लेंगे, अब चल यहाँ से। टीटू तोता कुकु को ले जाने लगा। डरपोक कहीं का लकड़ी का तिनका। चल फूट यहाँ से, अपनी मम्मी के पास जाकर रोना। कुकू को उनकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो कर भी क्या सकता था। वो उदास मन से वहाँ से चले जाते हैं और तालाब के किनारे जाकर दोनों बैठ जाते हैं। काफी समय बाद, बहुत देर हो चुकी है कुकू, अब हमें घर जाना चाहिए, घर में सब लोग इंतजार कर रहे होंगे। तुम जाओ, मैं कुछ देर यहीं रहूँगा। ठीक है, तुम थोड़ी देर में आ जाना, ज्यादा समय मत लगाना, नहीं तो टूनी मौसी परेशान होगी। हाँ, मैं आ जाऊंगा। इतना बोलकर टीटू तोता वहाँ से चला जाता है। अब शाम हो चुकी थी, कुकू घर लौटने को सोचा। जब वो जंगल के रास्ते से गुजर रहा था, तभी उसे वहाँ एक केले का पेड़ दिखा जो चमक रहा था। कुकू उस पेड़ के पास गया और फिर अचानक केले का पेड़ बोलने लगा। कुकू, मैं जानता हूँ तुम बहुत दुखी हो और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। पहले तो कुकू एक पेड़ को बोलता देख हैरान हो जाता है और फिर अपने आप को एक चुट्टी काटता है। फिर कुकू हिम्मत करके उस पेड़ से पूछता है, भला एक पेड़ कैसे बोल सकता है और मेरी मदद कैसे कर सकता है? कुकू, मैं सच में बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं जादुई केले का पेड़ हूँ और मैं सच में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। आप कैसे मेरी मदद करेंगे? ये देखो ये केले, ये सब जादुई केले हैं। तुम इसमें से एक केला खा लो और फिर देखो क्या होता है। कुकू एक केला तोड़ता है और जैसे ही वो केला तोड़ता है तो चारों तरफ रोशनी फैल गई। और जब कुकू ने वो केला खाया तो उसका शरीर अपने आप बड़ा हो गया। अब वो पतला दुबला नहीं था, बल्कि दूसरे चिड़ियों की तरह गोल बटोल हो चुका था। कुकू बहुत खुश हुआ। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब जब मैंने तुम्हारी मदद की है तो तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम्हें मेरे लिए पास की नदी से पानी लाना होगा। पानी? पर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है पानी लाने के लिए। उसकी चिंता तुम मत करो, ये लो घड़ा, इसे ले जाओ। मैं अभी जाता हूँ और जल्दी से पानी लेकर आता हूँ। कुकू तुरंत नदी के पास गया और उसने उस घड़े पर पानी भर लिया। घड़ा लेकर कुकू केले के पेड़ के पास पहुँचा और जैसे ही उसने केले के पेड़ में पानी डाला, पेड़ की आत्मा उस पेड़ से बाहर निकली।
तुमने मुझे आजाद कर दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कुकू। तुम जब भी चाहो इस केले के पेड़ से केले ले जा सकते हो। ये पेड़ अब सिर्फ तुम्हें ही दिखेगा और तुम इन केलों को बेचकर अपनी जरूरत पूरी कर सकते हो। इतना कहकर पेड़ की आत्मा आसमान में चली गई और केले का पेड़ एक आम केले के पेड़ में बदल गया, जो सिर्फ कुकू को ही दिखाई देने लगा। फिर कुकू घर आ जाता है। उसकी माँ और मौसी माँ बदले हुए कुकू को देखकर चौंक गए। कुकू अपनी माँ से गले लग जाता है और उस जादुई केले के पेड़ के बारे में सारी बातें बताता है। लेकिन मासी माँ, मुझे समझ नहीं आया, आखिर उस केले के पेड़ की आत्मा कहाँ गई? बेटा, वह पेड़ एक श्रापित पेड़ था जिसे तुमने आजाद किया। डर की वजह से उस तरफ कोई नहीं जाता था, पर तुमने हिम्मत करके उस पेड़ को श्राप से मुक्त कर दिया, समझे बेटा? लेकिन जो भी हो, उस पेड़ ने मेरा शरीर ही बदल दिया। अब कोई भी मेरा मजाक नहीं उड़ाएगा। अगले दिन कुकू अपना बॉल वापस लेने के लिए गया। उसने देखा कि कालू कौवा और बंटी कबूतर दोनों उसके बॉल से खेल रहे थे। कुकू ने झट से बॉल दबोचा और कालू और बंटी ने जब उसकी ओर देखा तो उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये वही कुकू है। अब ये कैसे हो सकता है बंटी, ये तो लकड़ी जैसा पतला था। था, लेकिन अब नहीं। अब मैं तुम दोनों की चटनी बना सकता हूँ। कुकू दोनों की ओर झपटने लगा और दोनों कुकू से डर कर भागने लगी। अब कुकू हर दिन उस केले के पेड़ के पास जाता और रोज एक टोकरी केले लाकर उसे जंगल के बाजार में बेचा करता। इस तरह से मिले पैसों से कुकू अपने घर की जरूरत की चीजों को पूरा करने लगा। कुकू बड़ा होने के साथ साथ अब काफी समझदार हो गया था। प्यारे दोस्तों, ऐसी स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।